भैया मैं कोसली के नाम नहीं है क्या? भैया मैं लोकेश। सुट्टे लाया क्या? हाँ हाँ लाया हूँ, और डॉक्यूमेंट्री वाले भी आए हैं। हाँ 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 आजा आजा वेलकम वेलकम वेलकम। तो मेरा नाम राज है, मैं फोर्थ ईयर मैकेनिकल इंजीनियर में हूँ। और हॉस्टल में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, शांत होते हैं। उनको अरे यार शांत हो जा, हर बार अच्छे सपने के बीच में उठा देता है। अपना समर प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ गया। बता अपनी क्या क्वेश्चन रही? अपनी यार H3 का तो पार्टिसिपेशन नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं खुद बैठा हुआ था बजट के टाइम। फर्स्ट राउंड। अरे H3 का बाप कर, H3 का बाप कर, H3 का बाप कर, H3 का बाप कर। नीचे अरे सिक्स वाले आ गए जिसे का फोन आया तो सच्ची बोलना चाहते बोलने दो। अरे यही डालेंगे, यही ट्रॉफी अंदर हाथ देख लेना। सोशल मीडिया में अरे आओ ना, लौटे क्या कर रहे हो यार? तो हर साल कॉलेज में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें से एक होता है समर प्रोजेक्ट, जिसमें सारे हॉस्टल्स पार्टिसिपेट करते हैं और सारे हॉस्टल्स अपना समर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। जिसका बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है, बेस्ट प्रोजेक्ट होता है, उसको काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती है। तो इस साल H3 ने तो हक दिया और H6 फर्स्ट आ गया है। सुना है रॉकेट बनाया? रॉकेट नहीं यार, रॉकेट नहीं यार, कुछ तो सैटेलाइट बनाया उन लोगों ने। फटेगी क्या? So, It's an emotional place। और जैसे कहते हैं ना कि हर जंगल में एक राजा होता है, वैसे ही एक इस इंस्टीट्यूट का बस एक ही किंग है। बस बड़े-बड़े ट्रॉफीज दिख रहे होंगे। Why? Because छोटे-छोटे ट्रॉफीज क्या होते हैं, मतलब हम बांट देते हैं। हम लोग बस बड़े ट्रॉफीज शोकेस में रखते हैं, वो बस ऐसे बांट दिए जाते हैं। अब जैसे विनर ऑफ कल्चरल कप 2018-19, मतलब आप जो भी देखो, आप हेलोविन देख लो, क्रॉसी देख लो, कैरम, स्विमिंग, मेहंदी जैसी, हम लोग हर जगह पे विनर्स ही रहे। आप कहीं पर भी कोई भी इवेंट हो, H6 has always been the winner। और चाहे सोशल इवेंट्स हो, गणपति बप्पा मोरिया कि नहीं मोरिया। हम लोग ने बनाया था तो जिस समर प्रोजेक्ट में हम लेके जाएंगे, पर दिक्कत हो गई। हमारा इंजीनियर आता ही होगा, वो तुम्हें बता देगा ये कैसे काम करता है। रुको मैं उसको फोन लगाता हूँ। परमिशन किसकी ली? अरे ये बीबीसी वाले, अपने आईआईटी वाले बंद कर गाड़ी बनाया था उसका परमिशन। आए बड़े शूटिंग करने वाले। रुक ना, कैमरा है तो नाटक करेगा क्या? वैसे मेरा नाम जॉनी जाधव, मुझे यहाँ पे जेजे के नाम से बुलाते हैं। भाई चल रे, क्या चल रहा है ये? जल्दी रे, सलाम दो मुझे, सलाम दो। हाँ सलाम दो। इनकी क्या ही वीडियो बनाते हो यार, कौन सी मेहनत करते हैं। चल भाई आ कौन सा चिकनी चमेली लगाया होगा? मैं कम 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 कर देता, मैं आवाज कम चाहिए मेरे को। आवाज कम। जा रहा जा। जॉनी ज़्यादा वैसे तो इंटर्न है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले लड़कों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और थर्ड फोर्थ ईयर वालों से उसकी थोड़ी पटती है। सुना है आज के प्लान में वो बीटी दे सकता है, तो हमें उस पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। पिछले 7 दिनों से फोटो निकाल रहे, वो जा वहाँ पे लड़की स्नीकिंग कर रही है। जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। येड़ा मत बना मेरे को। तू आरटीओ दिखा, इसका आरटीओ लाइसेंस सब कुछ दिखा। चोरी करके लाया ना तू? ये चोरी वाला लग रहा है। नहीं है मेरे पास, नहीं है परमिशन नहीं है। एक नहीं है मेरे पास। जा नहीं, जॉनी से पंगा मत ले। जा नहीं है परमिशन नहीं है। जा तो अपने H3 के सीनियर्स कहाँ हैं यार? कुछ तो सीक्रेट मीटिंग बुलाई है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। हल्ला मचा के तो गए हैं, मुझे लगता है लौंडे कुछ शांत तो नहीं बैठने वाले। आज कुछ ना कुछ तो कांड करने ही वाले, चोरी मारी सब कुछ करने ही वाले। इनको मुझे रंगे हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। बोलो भैया, वो क्राउड फंडिंग चाहिए थी, गोकार्ट बनाना है, तो पैसे के लिए आए हैं। ये दुनिया क्या है? ये क्या है? ये क्या चाहती है हमसे? प्रकृति तो फिलहाल क्राउड फंडिंग चाहती है। मूर्ख बालक, ये सब मोह माया है। इन सबसे ऊपर फंडिंग क्यों चाहिए? क्योंकि यार गोकार्ट बनाना है। भैया गोकार्ट बना के जाओगे कहाँ? मेरे साथ चलो, सबका मालिक एक है। चलो उनके बिना चलो। क्या यार फ्रॉम अरुणाचल, कल्पेश फ्रॉम गुजरात। यार इनको समझा यार, मैं खाना। अबे क्या बकवास कर रहा है? तुम भूल गए वो 1982 की बात, जब हमारे सीनियर्स एक बिग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन्होंने 378 के बॉक्स रूम में एक हाइब्रिड पौधा उगाया था। ये इतना आसान टास्क नहीं है, इसके लिए हमें एक क्रिटिकल टेम्परेचर बनाए रखना पड़ता है। तुम्हें पता है हमें H4 के हॉल में जाके उधर से AC चलाना पड़ा, वो भी एक ही दिन में। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत लगती है, जुनून चाहिए H3 के लिए। क्या तुम्हारे अंदर वो जुनून है? हाँ। बोलो H3 का बाप कौन? H3 H3। जोर से बोल, H3 का बाप कौन? H3 H3। धुआ आ रहा था, अरे आप पढ़ने धुआ नहीं होगा क्या? पता नहीं, अरे रात भर पढ़ाई कर रहा था मैं। हेलो ऑर्डर, क्या कर रहे हो ये तुम लोग? अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ ठीक है, मुझे मत बता, चलो ऊपर बैठे लगाओ फटाफट। ये देखो ये मशीन उठाएंगे, तो उठे बैठे नहीं उठाया है मशीन का। हम उठा दो और ये उसको उठाओ जल्दी से। पे मॉडर्न को कुछ प्लीज चाचा, मॉडर्न को कुछ चाचा। चोरी किसी की चोरी। वो देखो आप सारे को अंदर जाने कोई भी नहीं है, आधा घंटे का टाइम आपको कोई इंजन ढूंढना है, सारे इधर उधर घूम जाओ, आवाज मत करो मेरे पीछे पीछे का आवाज। वो आईसी इंजन से इंजन चुरा रहे हैं, वो गो कार्ट बनाना है ना इसलिए हमको कुछ नहीं पता और हमको इसके अलावा कुछ नहीं पता उनका। पक्का पक्का पक्का। अरे हम तो अरे हम बच्चे हैं यार, जो हमको बोला हम कर रहे हैं। चोरी? अरे इसे चोरी नहीं कह सकते। देखो जिस चीज का हम कोई खराब चीज का हम चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके अगर उसका यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नो दिस इज नॉट चोरी। क्या हुआ जॉनी साहब, तो क्या दिक्कत है? क्या है? ए, चलना कामचोर। अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है H3 का बाप कौन? H3 का बाप कौन? BT की कालू बेच। This place.